Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel and thank you so much for joining me. Guys, happy Wednesday. तो चलिए हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं वेडनेसडे की. एक सवा डेढ़ घंटा कुछ हमारे पास है, देखेंगे कि कितनी सारी रीडिंग्स हम कर पाते हैं. एंड देर इज ऑलवेज सो मच टाइम टू डू एंड टेक योर रिक्वेस्ट द अदर डे और सम अदर डे, है ना. तो अगर आपका रिक्वेस्ट नहीं लिया गया है तो बी पेशेंट. हमने एलविश की बहुत सारी रीडिंग्स की है. जस्ट क्लिक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई हैव पुट द लिंक, यू नो आई हैव टेकन द ट्रबल ऑफ पुटिंग द लिंक टू ऑल योर गाइडेंस of your favorite TV stars. I have segregated them together as per this couple thing and all. तो एक बार description box को click करके देखिए, वहां पे readings का खजाना है. Just choose the readings that you want to have and you can go on binge seeing them. However, I don't really advise seeing on binge and all. But then each to his own. It's your life, it's your free will. आपको जो करना है आप करने के लिए free हैं. बट येस, अगर आपको कोई गाइडेंस चेकआउट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लिक करिए. वहां पे बहुत सारा रीडिंग्स है. द होल कैटलॉग इज देयर फॉर यू टू एक्सप्लोर ऑन योर फेवरेट टीवी स्टार्स. मे बी देर इज सम रीडिंग दैट इंटरेस्ट्स यू, है ना. ऑल राइट, पेशेंट रहिए एंड वी हैव टू टेक अ लिटिल टाइम. अभी हमने एलविश की, मनीषा की, सुम्बुल फहमान की रीडिंग तो हम करते ही रहते हैं. इवन अभिषेक एंड रिया की, ये सारी रीडिंग्स अभी हमने की है. तो हर दो दिन पे रीडिंग करने का कोई फायदा नहीं है. इट्स नॉट लाइक एनर्जीज चेंज, बट एनर्जीज डोंट चेंज एट अ ड्रॉप ऑफ द हैट गाइज, है ना. ऐसा नहीं है कि आज पल में तोला पल में माशा हम नहीं रहते. अब जस्ट इमेजिन फ्रॉम योर ओन लाइफ, यू नो, अगर आप किसी से गुस्सा होते हो, कोई भी फ्रेंड है, मम्मी है, किसी से भी गुस्सा रहते हो, तो क्या आप तुरंत मान जाते हो? It takes lot of time for you to relax, ooze out, forgive the other person, be the bigger person, understand that okay, उससे गलती हो गई. कितना time लगता है हमको अपनी energies को सूद आउट करने में, ease out करने में. तो जिन TV stars का आप guidance देखते हो उनको भी time लगता है, उनकी भी energy change. Of course, energy change होगी तो readings भी change हो जाएगी. लेकिन एनर्जी चेंज होने में भी तो टाइम लगता है ना. देर इज समथिंग दैट शुड हैपन विद इन यू और देर इज समथिंग दैट शुड हैपन अराउंड यू फॉर द एनर्जी टू चेंज. विद इन यू क्या हो सकता है? विद इन यू तो ये हो सकता है कि आप थोड़े से मेच्योर हो जाते हो सकते हो, कोई रियलाइजेशन हो सकता है, कोई एपिफेनी हो सकता है कि ओके ठीक है, मैं ही बड़ा बन जाता हूं और चलो दोस्ती कर लेते हैं. अगर दुश्मनी की बात कर रहे हैं हम, अगर किसी से मन मुटाव हो गया है, तो कहने का मतलब है कि एनर्जी चेंज जरूर होती है बट चेंज होने में भी टाइम लगता है. इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस. तो तुरंत एक रीडिंग कर ली है, अब फिर से दो दिन, तीन दिन, चार दिन के बाद उसी चीज पे रीडिंग करने का कोई फायदा नहीं होता है. देर इज नथिंग दैट ड्रास्टिकली चेंजेस. एंड आई ऑल्सो हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स. आई कैन डू ओनली सो मच इन सो मच टाइम आई हैव फॉर यूट्यूब. So, I hope you will understand. Thank you so much for understanding. What else? I am taking requests for personality reads. These kind of readings are my favorite as an applied psychologist. I like to understand the person in and out. Not just ki ye bura hai, ye badmash hai. I think hum sab mein plus and minus hota hai. Hum sab mein light and shadow hota hai. And we are here to use our light, our strength, to work on our shadow, our weaknesses. This is what it is. ये इंसान बुरा है, ये इंसान अच्छा है, ये हमारा ईगो है जो कि डिस्क्रिमिनेट करता है, राइट. मी सिटिंग ऑन दिस साइड, आई एम ऑन द स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग सोल, ट्राइंग टू टेक सोल बेस्ड डिसीजंस, ट्राइंग टू मिनिमाइज द ईगो बेस्ड decisions as much as I possibly can, because in this body, ego rules supreme. है ना, बॉडी में ईगो सुप्रीम, ईगो का वर्चस्व है, ईगो रूल्स सुप्रीम. तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन ओनली बिकम अवेयर ऑफ द ईगो सो दैट इट डजंट इंटरफेयर्स इन आवर सोल बेस्ड डिसीजंस. बट दैट इज ऑल दैट वी कैन डू. द वंस वी आर, यू नो, वी फिनिश्ड आवर लीला ऑन मदर अर्थ एंड वी आवर हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, तो हम इस बॉडी को छोड़ के आत्मा चली जाती है. उस समय हमारा ईगो भी जाता रहता है, तब हम सोल के हो जाते हैं. हालांकि वहां पे भी थोड़ा सा अटैचमेंट रहता है, बट स्टिल फाइनली द सोल अंडरस्टैंड्स एंड इट मूव्स फॉरवर्ड इन हर जर्नी और हिज जर्नी. खैर, द सोल हैज नो जेंडर सो वी कैन नॉट रियली से दैट.
ओके तो मैं पर्सनालिटी रीड्स ले रही हूँ, पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया कि क्यों मुझे पर्सनालिटी रीड्स पसंद है. तो अगर कोई ऐसा पर्सनालिटी है जिसको आप समझना चाहते हैं, इट कुड बी फ्रॉम टीवी इंडस्ट्री, इट कुड बी फ्रॉम पॉलिटिक्स और एनीवेयर, वी विल ट्राई टू टेक इट अप, सी टू इट दैट यू नो मे बी फ्यू पीपल कैन बी इंटरेस्टेड इन दैट, दैट हेल्प्स मी टेक द गाइडेंस, और दे कैन जस्ट बी इंटरेस्टिंग एंड आई विल स्टिल टेक इट. और आई एम ऑल्सो ओपन फॉर यू नो करियर रीड्स फॉर एनीबडी. करियर रीड अगर आपको इंटरेस्ट लगता है, दैट इज सेकेंड फेवरेट फॉर मी, करियर रीड. उसमें कुछ रिलेशनशिप का यू नो रिलेशनशिप के पेंचे नहीं होती हैं उसमें, तो इट्स काइंड ऑफ ईजी टू डू इट. एक्सक्यूज मी. ऑल राइट, तो वही बात, आई हैव टू गिव यू दैट अपडेट कि बी पेशेंट विथ योर रिक्वेस्ट. वी विल टेक रिक्वेस्ट बट वन यू नो वंस एट अ टाइम. फिर उस रीडिंग को हमको थोड़ा ब्रेक देना जरूरी होता है ताकि एनर्जीज जो प्ले आउट हुई है प्रीवियस रीडिंग्स में वो खिल के प्ले कर पाए. लेट द एनर्जी लिव इट्स लाइफ एंड देन विदर आउट. ओके सो यू शुड अलाउ एम्पल टाइम फॉर द रिलेशन यू नो द एनर्जीज टू प्ले इट्स थिंग. और वॉट एल्स, पर्सनैलिटी रीड अगर आपको कुछ चाहिए तो आप डेफिनेटली रिक्वेस्ट कर सकते हैं. और करियर रीड्स ऑल्सो. ऑल राइट ओके सो इफ यू हैव इफ यू वॉन्ट अ डिवाइन गाइडेंस देन लेट्स सी वॉट इज द डिवाइन गाइडेंस कमिंग फॉर यू फ्रॉम द फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स फ्रॉम यूनिवर्स फ्रॉम ऑल आर गॉड्स एंड गॉडेसेस प्रेजेंट ओवर हियर. लेट्स सी गाइडेंस कमिंग फॉर यू ऑन 6th ऑफ सेप्टेम्बर दिस वेडनेसडे इवनिंग. आई थिंक दिस इज द वन. Music for manifestation. In to manifest rapidly, think of your desire while you chant, hum, sing, play music. तो इसका क्या मतलब है? Maybe you know you are somewhere in your life, some point in your life where you want to manifest something in your life. कुछ चीज की जबरदस्त डिजायर है, शायद वर्क हार्ड भी आप कर रहे हो और यूनिवर्स क्या बोल रहा है, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. जो भी आपका डिजायर्स है, इंस्पायर्ड एक्शंस लेते रहिए, नेगेटिविटी या सेल्फ डाउट से दूर रहिए. आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़िए. एंड थिंक एंड फोकस, यू नो स्लीप, ईट, ड्रिंक योर मैनिफेस्टेशंस, योर डिजायर, योर डिजायर्ड गोल जो भी है आपका पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, दैट शुड हैव ऑल योर अटेंशन. बिकॉज रिमेंबर, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी गोज, है ना. और जिस तरफ एनर्जी जाएगी वही चीज ग्रो होगी. तो सेल्फ डाउट की तरफ एनर्जी, सेल्फ डाउट की तरफ अपना अटेंशन मत डालो. रादर जो चीज आपको चाहिए उसकी तरफ फोकस करिए और इंस्पायर्ड एक्शंस लेते रहिए. दिस इज ऑल्सो अ कन्फर्मेशन एंड एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द यूनिवर्स फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स कि आप जो भी कर रहे हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग, यू आर इन द राइट डायरेक्शन. ऑल राइट ओके सो दैट वॉज द गाइडेंस फॉर 6th September. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अदर गाइडेंसेस. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज.